है ना। अब हाँ आपने उनको मेंबरशिप दे दी 1 ईयर की, ठीक हाँ है, तो वन हाँ ईयर तक उनसे, 1 ईयर से हमको उनसे फाइनेंशियली क्या बेनिफिट होगा? जो मेंबरशिप मिला वो जो 18,000 बस रुपीज वही है। आपको मिला है, बस थोड़ी होता है, हाँ, बस नहीं होता है ना। अगर एटीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बिल्कुल बाय 100 करें आप तो वो 18 लाख रुपीज होता है ना। बिल्कुल। फिर हाँ, मतलब फाइनेंशियली उतना ही है बेनिफिट, पर देखो इनिशियली उतना ही है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर नहीं, आपने मतलब मैं कैब्स को क्यों, ठीक से कर लिया, नहीं आप मेरी बात समझिए ना, उसको हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो एयर चार्टर से, ठीक है। अगर आपको कैब समझ आ गया अच्छे से, कैब पे हमने कर लिया पूरा प्रॉपरली, तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग एयर चार्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ये रहेगा कि अगर इसमें हमारा 200 का टारगेट है तो उसमें सिर्फ 20 का टारगेट रहेगा, इसमें अगर हम 2,000 चार्ज करें तो उसमें 20,000 रुपीज हम चार्ज कर सकते हैं। सर ये एयर चार्टर्स का क्या है कॉन्सेप्ट? आई डिड नॉट गेट इट, लाइक बिल्कुल सेम है जैसा कार टैक्सी का है वैसा एयर टैक्सी होती है, बिल्कुल सेम होती है। जो एयरपोर्ट के लिए ही वर्क करती है, ओनली फॉर। हाँ जो एयर टैक्सीज होती है 4 सीटर से लेके 200 सीटर तक अलग अलग टाइप के एरोप्लेन होते हैं, जो कि आप कहीं से भी कहीं के लिए बुक कर सकते हैं। और ओके इंडिया यार, में, इंडिया में आज की डेट में 100+ एयर टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, बट उनका आज की डेट में कोई क्लब नहीं है, कोई उनका ओला उबर नहीं बना है। सो सर दे आर बेसिकली मतलब हेल्पिंग कस्टमर्स टू इन ट्रांसपोर्टेशन वाया लाइक यस वाया यस एयर। यस दे हैव गॉट 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज बेसिक एयरक्राफ्ट जो कि एनीवन कैन टेक। सेकेंड वन इज हेलीकॉप्टर्स विच कैन बी लैंड एनीवेयर। थर्ड वन इज एयर एम्बुलेंस विच इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नाउडेज। ओके, ग्रेट टू नो दैट, आई वाज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस। यस दैट इज वेरी सिमिलर। सी लाइक देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कार टैक्सी एंड एयर टैक्सी, बट द ओनली डिफरेंस इज द माइंडसेट एंड द क्लाइंटेल। सो आर अल्टीमेट एम इज दैट ओनली, बट बिफोर गेटिंग इन टू दैट, बिकॉज दैट इज अ वेरी निश फील्ड है ना, वी कैनॉट स्टार्ट सो इमीडिएटली दैट थिंग। यस सर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन टू दैट बिजनेस, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल ओवर इंडिया एयर टैक्सी सर्विसेज, बट नॉट ऑन दिस वे। सो एज सून एज इवन इफ वी गेट 20 मेंबर्स फ्रॉम लाइक ऑल फोर ग्रुप्स, वी विल इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एज वेल साइमल्टेनियसली। सो द सेम पर्सन विल बी वर्किंग एज अ रीजनल हेड फॉर एयर टैक्सी ऑपरेशन ऑल्सो, ओके सर, बिकॉज ओके। दैट्स अ नीड ऑफ एन आर। सर वन मोर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, लाइक यू टोल्ड ना जस्ट नाउ दैट दिस ओला उबर दे टेक कमीशन एंड वी आर नॉट करेक्ट इनटू दैट। सो करेक्ट सर मे आई जस्ट, कैन यू प्लीज अ बिट लिटिल बिट एक्सप्लेन अबाउट दिस, व्हाट काइंड ऑफ द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ कमीशन? आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। सी लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम। ओला उबर दे डोंट हैव देयर ओन रिसोर्सेज, दे डोंट हैव देयर ओन कार, दे डोंट हैव देयर ओन टैक्सी ड्राइवर्स। व्हाट दे डू इज दे हैव ओनली वन ऐप, ओके। सो थ्रू दैट ऐप दे बुक द लोकल टैक्सीज, एंड इन वन सिटी दे अपॉइंट 100+ टैक्सी ऑपरेटर्स। दे डोंट अपॉइंट द ड्राइवर्स, दे अपॉइंट टैक्सी ऑपरेटर्स, कार ऑपरेटर्स। सेम वे वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट इन वन सिटी वी विल बी अपॉइंटिंग ओनली वन पर्सन। सेकेंडली बिजनेस मॉडल इज डिफरेंट, दे डोंट चार्ज एनी फिक्स मेंबरशिप चार्जेस, दे चार्ज पर राइड। अच्छा, ओके। दे चार्ज 23% ऑन एवरी राइड। इफ यू बुक अ राइड फॉर 200 रुपीज, दे विल बी चार्जिंग ऑलमोस्ट 60 रुपीज और 46 रुपीज। सो वन मोर क्वेश्चन इज, इफ सपोज वी आर गेटिंग डिमांड ऑफ टू टैक्सीज एट द सेम टाइम, लाइक हाँ समबडी वांट्स टू बुक। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि हम लोग टैक्सी ड्राइवर नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेटर अपॉइंट कर रहे हैं। ही शुड एबल टू प्रोवाइड 10 टैक्सी और 20 टैक्सी ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड। हाँ, मींस ही विल बी सीइंग द नीड ऑफ द आर इफ ही इज ऑब्वियसली गेटिंग, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सिटी टू लाइक सिटी इट विल डिफर। छोटी या सिटी में 3-4 टैक्सी से काम चल जाएगा उसका, बड़ी सिटी में उसको 30-40 टैक्सीज भी अगर जरूरत है तो होनी चाहिए उसके पास।
और उसकी अपनी, फिर एक बात समझिए, उसकी अपनी टैक्सी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मेंबर्स को अपनी टैक्सी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, उसके पास टैक्सी ड्राइवर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए जिनको वो बुकिंग फॉरवर्ड कर सके। तो सर, यानी कि जिनकी जो इस तरह का मेरे से मेंबरशिप लेंगे और वो उनके अंडर में 10-20, मान लीजिए 5-10 टैक्सीज, नंबर ऑफ टैक्सीज ओनर्स का उनके पास कांटेक्ट डिटेल्स है, तो हाँ जो 18,000 का जो उनको देना होगा पेमेंट अगर ईयरली वो करते हैं, तो वो उनका खुद का होगा एंड उनका और वो फर्दर टैक्सी ड्राइवर का वो अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा कि एग्जैक्टली उनको. एग्जैक्टली, नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड कमीशन जो है वो 10% है, स्टैंडर्ड कमीशन जो है ना 10% है, वो लोग चार्ज करेंगे टैक्सी ड्राइवर से, दैट इज देयर अच्छा, अंडरस्टैंडिंग। दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग, और इज देयर एनी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल थ्रू आवर नहीं अग्रीमेंट नहीं दैट नहीं दे नहीं हैव टू नहीं चार्ज दिस मच वी आर अमाउंट? ओपन, वी आर ओके विद दैट थिंग। ओके, हमारा वर्क जस्ट वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमको रेगुलर बेसिस पे अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे विच वी नीड टू सर्क्यूलेट। यस, नाउ आई गॉट इट कंप्लीटली. थैंक यू सो मच सर. वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे पास ये कार टैक्सी, हम इस रेट में यहाँ यहाँ चलाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम को देना है, हमारी टीम उसके पोस्टर्स बनाएगी, ब्लॉग्स बनाएगी, उसको हम सर्कुलेट करेंगे। मतलब एक साल तक हम उनके लिए ऐड करेंगे उनका, उनके नाम से, उनके नंबर से। बस ये बात ध्यान रखना है, उनको शुरू से बोल देना कि आपके नाम नंबर चेंज नहीं हो पाएंगे, आपको जो नंबर देना है वो आप शुरू से दीजिए, पुराने एड्स में चेंज नहीं हो पाएंगे, नया का भी आपको अपडेट करना है हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उनका नंबर आया तो वायरल हो जाएगा वो। तो तो हमारी सर, टीम वो नंबर रेगुलर आएगा बेसिस, उनका, हाँ जो वो नंबर आएगा उनका, जिनका कि ये जिनके अंडर इतने सारे 10 नंबर ऑफ टैक्सीज होंगे, तो उनके उनको ही कस्टमर डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे या? ऑब्वियसली उनको ही करेंगे, हमारे ओके ओके, प्लेटफॉर्म के थ्रू, प्लेटफॉर्म हमारा रहेगा अच्छा, ओके. बेसिकली। देखिए हम लोग कोई कार टैक्सी सर्विसेज नहीं है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग एक सिर्फ प्रमोशनल सर्विसेज हैं, यस सर, यस सर, हम लोग एक अंडरस्टूड. एग्रीगेटर हैं जिसके पास एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम हमने ऑल इंडिया कार टैक्सी क्लब दिया है, बट ऑल इंडिया कार टैक्सी क्लब कोई कार टैक्सी, जैसे ओला या उबर कोई कार टैक्सी सर्विसेज नहीं है अगर टेक्निकली देखा जाए तो। टेक्निकल टर्म्स में दे आर नोन एज कार टैक्सी एग्रीगेटर्स, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेस प्रोवाइडर है वो कोई और ही है, थर्ड पर्सन है। आई गेस एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो देन इट विल बी मोर क्लियर, है ना, जब स्टार्ट हो जाएगा. आपको तो ये चीज इसलिए बहुत इजीली समझ आ जानी चाहिए कि जैसा हम लोग कर रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग करियर गाइडेंस में कर रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट ये है, बट डिफरेंस क्या है, वहां पर फिक्स वो नहीं है, फिक्स मेंबरशिप नहीं है, वो एक सेकेंडरी चीज है, वो हमारा एक, बट जो कॉन्सेप्ट है तो वो तो वही है ना। ठीक. तो अच्छा ये एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि एक बार कार टैक्सी के नाम से एक बार एक चीज स्टार्ट हो गई, अगर आपको चीजें समझ आ गई तो इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत सारी सर्विसेज और भी कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल. बहुत छोटी छोटी सी आप ट्यूशन क्लास की सर्विसेज कर सकते हैं, आप इंग्लिश क्लासेस की सर्विसेज कर सकते हैं, आप कार ड्राइविंग सर्विसेज कर सकते हैं, जो आपके पास लोकल वेंडर्स हैं आप सेम कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बस। तो इसमें जो मेन चीज है वो हम लोग आपको, सबसे पहले आपको दो दो आईडीज क्रिएट करना है, जीमेल आईडीज, वो मैं आपको दे दूंगा कि क्या जीमेल आईडीज होंगे, वो जैसे ही क्रिएट हो जाएंगे फिर आप लोग का एक अपना ऑफिशियल आईडी रहेगा, जो कि आप हर जगह, वो सिर्फ इनकमिंग मेल्स के लिए रहेगा, ठीक है। उसके ठीक अलावा है, आपके पास अपने विजिटिंग कार्ड्स आते जाएंगे सबके पास, सेम वे में हाँ सारे विजिटिंग कार्ड्स आपके ड्राइवर्स के पास भी जाएंगे, उनके पास स्टिकर्स भी जाएंगे, उनकी सारी कारों पे आपके स्टिकर्स रहेंगे, जैसे उनके स्टिकर्स लग जाएंगे वो स्टिकर्स के साथ वो कार के फोटोज आपको दे देंगे, वो उनके फिर सारे डिजाइन क्रिएटिव वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। सो सर, वी शुड ऑल्सो गिव अ नंबर दैट इज गोइंग टू बी मतलब विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि ओके नंबर सर, चेंज नहीं हो पाएगा ना,
So, sir, if like in future, like if after 1 or 2 months, if I'm going to change my number, so there is no such possibility of that. नहीं, यू कैन ऑलवेज चेंज द नंबर, बट वी कैन नॉट रिप्लेस दैट नंबर विद द ओल्ड क्रिएटिव्स एंड ओल्ड पब्लिशिंग, बिकॉज़ वी नेवर नो कि वो कहाँ कहाँ वायरल हो गया है. ओके या ट्रू 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 यस हेलो, ठीक है. यस सर आई हैव अंडरस्टूड एंड क्वाइट एक्साइटेड आफ्टर नोइंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. और सबसे बड़ी चीज क्या है, कंपैरेटिवली वी आर वेरी इकोनॉमिक. तो मुझे लगता है एक बार आपने ठीक से एक्सप्लेन करना शुरू करा है, शुरू के 5 इंक्वायरीज 10 इंक्वायरीज वेस्ट जाएगी आप लोग की. जब आप स्टार्ट करेंगे ना इनसे इंटरेक्ट करना, शुरू में आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस आएंगे, उनकी जो क्वेरीज आएगी, वो आपको इमीडिएटली कम्युनिकेट करनी है कि उनको वो लोग क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं. वो एक बार क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही मेंबर्स बनने स्टार्ट होंगे. और मेंबरशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि एक बार आपने एक एक मेंबर बना दिया, एक मेंबर पटना में बन गया, तो फिर उसके रेफरेंस से ही बाकी के मेंबर्स बनने शुरू हो जाएंगे. शुरू के फर्स्ट 1 2 मेंबर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा किसी के लिए भी, बट जैसे बनते जाएंगे तो फिर उनका रेफरेंस देके, उनके डिजाइन दिखा के, क्योंकि सबके एक दूसरे से कॉन्टेक्ट रहते ही है सारे कैब वालों के, वो खुद ही आपको रेफरेंस देते जाएंगे अगली सिटीज का. हाँ ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है प्रैक्टिकली तो नॉलेज भी बढ़ता रहेगा और उसको शॉर्ट आउट भी करते रहेंगे. सही बात है. तो शुरू के 5 10 इंक्वायरीज में सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएगी. तो 10 इंक्वायरी बेस्ट होने के बाद 11th इंक्वायरी से कन्वर्शन से स्टार्ट होंगे. ये नॉर्मली हर केस में होता है. जैसे मैं बैंगलोर का बताती हूँ, बैंगलोर के अंदर एक आश्रम है बहुत दूर है सिटी से, तो उन्होंने स्पेशली एक कंपनी को हायर कर रखा है जो एयरपोर्ट ही सबको ड्रॉप करता है किसी भी टाइमिंग में. अच्छा वो क्या 3 4 6 ऐसे लोगों को क्लब भी कर देता है, तो इंडिविजुअली भी उनको फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाता है. उसका टारगेट होता है भाई 20,000 लेना है, तो 4 जने मिलके तो सबको 5 5 5 ही पड़ता है ना. सही बात. तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है. चलिए, एनी अदर क्वेश्चंस मिली मैम? सो हम नहीं, इट्स क्लियर नाउ. जैसी क्या बोल रही थी? अब आप हमें डाटा दीजिए तो हम स्टार्ट करें, ताकि मतलब प्रैक्टिकल कॉल्स करेंगे तो मालूम चलेगा क्या रेस्पॉन्स आ रहा है एक और चीज, और किस टाइप के. एक और बात, आप ना हर जगह कोशिश ये कीजिएगा कि किसी के भी थ्रू, किसी के भी साथ व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को प्रेफर कीजिएगा हमेशा, रादर देन द ओके कॉलिंग थिंग्स. क्योंकि ओके व्हाट्सएप पे क्या, जितने अच्छे से आप चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना कॉलिंग पे नहीं हो पाता कई बार. तो अब ये कि अब आप लोग के हम लोग कुछ डिजाइन बनवा देंगे, सबके इंडिविजुअल डिजाइन हो जाएंगे आपके एरिया वाइज, वो डिजाइन को आप फॉरवर्ड करते जाइए, उनसे बात करते जाइए. उसके बाद फिर नेक्स्ट जूम मीटिंग में हम लोग उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको क्लैरिफाई करते जाएंगे. बस ये कि किसी को नहीं. भी फॉल्स मार्केटिंग या गलत मार्केटिंग हमको नहीं करनी है, और किसी को थोड़ा भी डाउट है, ऐसा लग रहा है कि वो डाउटफुल है या उसको थोड़ा सा कहीं कुछ हेजिटेशन है, उसको बोलना 1 महीने की लेकर देखो, 1 महीने में आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, आई विल रिफंड योर 100% मेंबरशिप फी. हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपको कोई प्रॉब्लम हो, हम तो कोई और मेंबर आपके यहाँ अपॉइंट कर देंगे. अच्छा एक क्वेश्चन था मेरा, हमें कैसे मालूम चलेगा उसको कितना बिजनेस मिल रहा है. देखिए, वो तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा शुरू में, तो बाद में तो उसके लिए धीरे धीरे मैकेनिज्म आ जाएंगे जब हमारे पास थोड़ा सा फंड्स हो जाएंगे और थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली अपडेट हो जाएंगे. तो शुरू में तो ये कि उसी पे हमको ट्रस्ट करना रहेगा, और वो तो दिख जाता है. देखिए, सामने वाले ने अगर मंथली मेंबरशिप ली और रिन्यू करवा रहा है, इसका मतलब उसको बिजनेस मिल रहा है. बेनिफिट हो रहा है अगर वो मेंबरशिप नहीं रिन्यू करा रहा है, इसका मतलब उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो हमको फोर्स करके उसको रिन्यू नहीं करना है. बोनस जरूर दे सकते हो आप,
किसी किसी ने बोला कि 1 महीने मैंने करवाया, मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप उसको बोल सकते हैं ठीक है 1 महीने और लेके देख लो, हम लोग आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं, फिर आप डिसकंटिन्यू करना। और वो 1 महीना जब वो एक्स्ट्रा लेगा, तब फिर आपको अपनी टेक्निकल टीम के पीछे पड़कर उसके लिए कुछ एडिशनल उसको प्रमोशंस रेट्स बढ़वाने हैं। जनरेट करने पड़ेंगे। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो चीट कर रहा है आपके साथ, उसको बिजनेस भी मिल रहा है और वो रिन्यू भी नहीं करवाना चाह रहा, तो फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। बट ये है कि अगर हम लोग नहीं उसको बिजनेस दे पा रहे हैं, तो हमें कोई राइट्स नहीं है उसको फोर्स करने का कि आप रिन्यू करवाओ, वो फिर हमारी टेक्निकल टीम की वो है, मतलब वीकनेस है। थोड़ा सा एचआर को, टेक्निकल टीम को आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने उनको 1 महीने का, जैसे आपने बोला कि एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, ठीक है, और अगर उन्होंने, क्योंकि हम लोगों के पास तो बस उनका एडवर्टीजमेंट वगैरह ही ना हम लोग उनका टेक्निकल टीम से करवा सकते हैं, तो सारा हाँ, नंबर वगैरह तो कस्टमर के पास चला जाएगा उनका, तो फिर दोनों उस चीज होती है, दोनों चीज होती है। देखिए क्या होता है ना, आपकी क्रॉस सेलिंग भी हो ही रही है, आपके आपके पास ग्रुप में भी कंट्रोल है। जब आप ग्रुप बनाओगे ना, तो आपका काफी कंट्रोल्स बढ़ जाएंगे, आपके पास आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आपके पास 10 लोग हैं आपकी टीम में, ठीक है, आप मान लो कोटा वाले को जयपुर की इंक्वायरीज आ रही है, तो वो ग्रुप में ही डाल रहा है ना, इसमें क्रॉस सेलिंग के स्कोप बहुत होते हैं। सबसे बड़ी बात तो एक्चुअल में क्या उनको भी एक सर्कल मिलेगा ना, तो उनको वो एक एक सर्कल दूसरे से मिल रहा है। बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा एग्जैक्टली उनको। एग्जैक्टली, तो वो तो आपके इन्वॉल्वमेंट पर है कि आप कितने एग्रेसिवली इन्वॉल्व हैं उस ग्रुप के साथ, वहां पर अच्छा आपको सारी एक्टिविटीज एक दिख। हाँ, चीज मैं सजेस्ट करना चाह रही थी कि हम है ना, मतलब एक तो जोन वाइज और एक ओवरऑल एक ऐसा पोस्टर्स रेडी करें जिसके अंदर सारा हम क्या कन्वे करना चाहते हैं वो हो, तो उससे उनको बहुत क्लियर आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली वही इनका मोटो क्या है। बिल्कुल सही बात है, वो तो बनेंगे ना, वो सब तो करना ही पड़ेगा हमको। भैया एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, इसको हम शुरू कैसे करेंगे, मींस इनिशिएट कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से कैसे करना है, कॉलिंग करना है। नहीं, कॉलिंग पहले नहीं करना है, पहले आपके अपने टूल्स रेडी कर लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टूल किट। हम लोग पहले आपको टूल कंप्लीट करके देंगे, आपके सारे मटेरियल्स है ना। एक बार मटेरियल जब रेडी हो जाएंगे, तो फिर हम आपको देंगे वहां के कांटेक्ट डिटेल्स, किन को आपको कांटेक्ट करने, उनको प्रेफरेबली पहले आप व्हाट्सएप पर कोशिश कीजिए। अगर व्हाट्सएप पर उनका कोई रिस्पांस आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो फिर कॉलिंग पे जाएंगे हम लोग, है ना। और शुरू के 10 कॉल्स आपके सब हर एरिया में वेस्ट होंगे। 10 10 कॉल आप करेंगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 10 व्हाट्सएप करेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन उसको रेगुलरली करते रहना। अच्छा, सेकेंडली जो आपको टूल किट मिलेगा, उसको सबको सारा जो है सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना है, हर जगह। जितने भी कार टैक्सी से रिलेटेड ग्रुप्स और पेजेस हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, उनको फॉलो करते रहना है। मतलब मेन चीज आपको कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा सा स्टडी करना है मार्केट की, कि ओला उबर क्या कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्विसेज की नीड हमारे को जितनी मेंबर्स की नीड नहीं है, मेंबर्स को हमारी नीड उससे ज्यादा है। इतने कम प्राइस में इतना टारगेटेड मार्केटिंग कोई नहीं करके दे रहा। 18,000 रुपीज पर ईयर में कोई भी इतनी टारगेटेड मार्केटिंग करके, इतनी लीड जनरेट करके नहीं दे सकता। अगर कोई अच्छा ट्रैवल ऑपरेटर है, मान लो बैंगलोर बेस्ड है, उसको 8 दिन का टेम्पो ट्रैवलर का साउथ इंडिया टूर आ गया, तो उसका बिलिंग होता है मिनिमम 20,000 2 लाख रुपीज का। एक अच्छा टूर अगर वो उसको मिलता है, तो सिर्फ एक टूर, अगर मान लो 10% भी अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, तो उसको 20,000 रुपीज सिर्फ एक बुकिंग से मिल जाएगा, बाकी उसका साल भर का जो भी बुकिंग से सारी बोनस मिल जाएगी उसको। इतना एडवांटेज है इस चीज को लेके, क्योंकि अभी तक हम लोग जो 10% पे काम कर रहे थे एवन कैब्स में, जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, जो हमारा एक अच्छा ऑपरेटर है, वो हमको साल के 25-30-40,000 रुपीज मिनिमम एज अ कमीशन देता है, एक एक ऑपरेटर, एक एक सिटी से। तो इसमें तो फिर
उससे बहुत ज्यादा हो रहा है ना उसको, और अभी तो वहां पर 5-7 ऑपरेटर्स ही हैं बस। तो जब 200 अगर ऑपरेटर्स हो जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक अच्छा ग्रुप उनका बन जाएगा, तो आप सोचिए कि उनके कितना बिजनेस मिल सकता है। अच्छा एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाह रही थी, हमारा है ना सबका एक जैसा सेम पैटर्न होना चाहिए, जब हम कॉलिंग करें, जब हम व्हाट्सएप करें, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम बेसिकली बिलोंग फ्रॉम सो एंड सो, ऐसा करके पूरा एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चीज। तो एक सिमिलरिटी रहेगी और ब्रांड अपने आप से ब्रांड बनेगा जैसे ही तो हमारी लैंग्वेज देख। सही बोला आपने, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसमें आप लोग 5-5 मिनट का अपना या 2-2 मिनट का स्क्रिप्ट तैयार कर लो इस चीज को लेके, ठीक है ना? तो वो क्या होगा, एक एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक मॉक शो, एक मॉक टेस्ट हो जाएगा सबका। नहीं उसके अंदर है ना सबका मिला के एक स्टैंडर्ड तैयार कर लेंगे, सब अपना अपना तैयार कर लेंगे, फिर पहले उसको सब अपना कर सबको लो, मिला के एक फिर उसको आप सबको मर्ज करके एक स्टैंडर्ड बना दीजिएगा। उसमें क्या बोलेंगे देखिए, उसमें क्या होगा देखिए, क्योंकि जो ये कार ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, आप उनसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको उनको बहुत नॉर्मल लेमन लैंग्वेज यूज करनी है। तो आपको यही बोलना है कि मैं जयश्री, मैं बैंगलोर से हूँ, मैं साउथ इंडिया रीजनल हेड हूँ, और अगर आप टैक्सी ऑपरेटर हैं और अगर आप हमारे क्लब के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप आपके स्टेट्स के नाम आपको डिफाइन करना है कि आप इन इन स्टेट्स को बिलोंग करेंगे, है ना? तो इन स्टेट से हैं, अगर आप अपने स्टेट में किसी भी सिटी में मेंबरशिप लेना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ये मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। या एग्जैक्टली ये एक ऐसा स्क्रिप्ट बना के अपन डाल देते हैं तो सब सबका सेम होगा ना, तो ब्रांड वैल्यू बनेगी, उनको अपने आप से मालूम चलेगा कि ये इस कंपनी के लोग हैं। तो अभी जो लिखने वाला स्क्रिप्ट है, रिटन स्क्रिप्ट तो आप इंग्लिश में बना लो चाहो तो लाइन बाय लाइन, उसको आप हिंदी ट्रांसलेट कर दो, दोनों हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, जो जैसा समझेगा ना। हिंदी लिखना नहीं आएगा अभी आपको, उसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे बाद में भले ही गूगल से, बट एक जनरल स्क्रिप्ट जो है 8-10 लाइन का वो इंग्लिश में बना लो कि आई एम जयश्री, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई बिलोंग टू साउथ इंडिया रीजन, फॉलोइंग आर द स्टेट्स इन माय, इफ यू आर फ्रॉम फॉलोइंग द स्टेट प्लीज कॉन्टेक्ट मी, और वो स्टेट्स के नाम दे दो स्पेसिफिक, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इससे पहले है ना हमारी कंपनी के बारे में 2 लाइनें होनी चाहिए। बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल सही है। हम लोगों का जो मेन रोल है वो आपको कार टैक्सी बुकिंग्स प्रोवाइड करना है। हम लोग चाह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 200 मेंबर्स के साथ एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करें। एक सिटी में हम लोग सिर्फ एक ही कार ऑपरेटर अपॉइंट करेंगे, कार टैक्सी ऑपरेटर अपॉइंट करेंगे। अगर आपके पास 3 से 4 कारें हैं मिनिमम और आप रेगुलर बुकिंग हैंडल कर सकते हैं तो आपका स्वागत है हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर, इस नए स्टार्टअप पर, है ना? Exactly. और इसको हम लोग कोशिश करेंगे, एक बार थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए उसको हम कोशिश करेंगे स्टार्टअप इंडिया में और आत्मनिर्भर इंडिया में, वो जो 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 फंडे चल रहे हैं अभी मेक इन इंडिया, उस सब में भी रजिस्टर करने का, तो वो सब लोगों से हमारे आ जाएंगे। बट उसके पहले हमारी टीम एक बार रेडी हो जाए, कॉन्सेप्ट रेडी हो जाए, हम लोग उसमें भी रजिस्टर कर लेंगे इसको, है ना? Nice. अच्छा उसके बाद सेकंड, एक बार जब ये सब हो जाएगा और अगर लगेगा कि आपके पास टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो बड़े बड़े होटल्स हैं एटलीस्ट हम लोग 3 स्टार से स्टार्ट करेंगे और उनकी भी कॉर्पोरेट मेंबरशिप कर देंगे। तो एक वो को ब्रांडिंग हो जाएगी, करना कुछ भी नहीं है उन होटल्स में, एक सिर्फ स्टैंड ही लगाना है और वहां पे हमारे ब्रोशर्स डालने हैं, तो एक को ब्रांडिंग हो जाएगी और हमारे गेस्ट के लिए वहां पे 10% डिस्काउंट या कुछ भी एक डिस्काउंट वाला वो ले लेंगे हम, और एक नॉमिनल मेंबरशिप उनकी भी डाल देंगे कि हर सिटी में एक होटल है प्रेफर्ड होटल करके, तो होटल वाले भी आराम से हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं उसकी, ले सकते। अगर क्योंकि उनको भी दिखेगा कि, क्योंकि क्या होता है जो कार टैक्सी ऑपरेटर होते हैं या कार टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं ये होटल के लिए बहुत बड़े रेफरल पॉइंट्स होते हैं, बहुत बड़े रेफरल पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग ऑफिशियली उसको कनेक्ट कर देंगे हर सिटी में,
तो एक मेंबरशिप ऑप्शन और बढ़ जाएगा हमारे पास। तो जैसे हमारे 10 मेंबर्स एक एक सिटी में होते जाते हैं, हम लोग चाहेंगे तो होटल मेंबरशिप प्लान भी लॉन्च कर देंगे अपना, क्योंकि क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दिखाने के लिए, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में करेंगे ताकि उनको भी मेंबरशिप लेने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारी को ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी। पूजा Yes, sir. I was listening and I agree with you, whatever you and other members said. So let's have this script get ready first. Then, yes, sir. Sir, can I leave now because my class is has been started at 12. I guess we are almost done. Mansi, anything from your side? No, sir. No, all good. Yes, sir. Sure. So shall we end here? Yeah. Or anything else? Yes. Yes.